कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कई नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया जाना देश का अकाउंट फ्रीज किए जाना कैसे होगा। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हर साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है और कांग्रेस ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये तो कमाल है भाई। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया तो हम क्या करें, तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। लेट मी रिपीट, 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है, कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बट देयर इज अ इनबिल्ट मैकेनिज्म, उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहां जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईटी अपील के यहां गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहां, कमिश्नर अपील के यहां, वहां भी रिजेक्ट हो गया। इनका देखा गया 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट एड किया गया। फिर ITAT जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है उन्होंने इनका स्टे पिटीशन डिसमिस कर दिया। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। 13 मार्च को क्या कहा जरा वो हम बताना चाहते हैं। कोर्ट रिमार्क दैट इट वाज बैडली हैंडल मैटर एंड समबडी फ्रॉम द कांग्रेस ऑफिस वेंट टू स्लीप राइट फ्रॉम 2021 merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. फिर कोर्ट ने बाकी किया, इनका लंबा ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपके? तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। अभी बहुत ही उमदा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने यह समझाया कि किस प्रकार, जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। हम आश्चर्यचकित हैं, रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग, कभी 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 2-3 दिन जब सीसी की मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं, जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2-2 रैलियां
समाप्त हो चुकी है। जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जाकर के, हम 2-1 दिन में थक जाते हैं, हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत, पीएम, पी से पसीना, एम से मेहनत। पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने, जीत पसीना और मेहनत की होती है। पीएम ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम।